कल गुजरात लॉयंस के खिलाफ जो पारी ऋषभ पंत ने खेली थी वो वाकई में बेहद शानदार थी। ऋषभ ने अपनी इस पारी से कईयों को अपना मुरीद बना लिया। खुद सचिन तेंदुलकर ने भी ऋषभ की इस पारी को आईपीएल की सबसे बेस्ट पारी करार दिया है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी ऋषभ की इस पारी को लेकर कुछ कहा है। वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा है ऋषभ की इस पारी को लेकर, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जब भी कुछ बोलते हैं तो खास बोलते हैं। ऋषभ पंत की आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। सुरेश रैना के माथे पर टेंशन की गहरी लकीरें थी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक बेहद खुश थे। कुछ ऐसा ही नजारा था कल फिरोज शाह कोटला मैदान में। जी हां, कल जिस तरह से ऋषभ पंत ने गुजरात के सभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी वो वाकई में बेहद खास था। पंत की इस पारी ने हर किसी को उनका मुरीद बना लिया है। एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर ने उनकी पारी को आईपीएल की सबसे बेस्ट पारी करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने तो वो बात कह दी जो शायद ना सिर्फ खुद ऋषभ पंत सुनना चाहते होंगे बल्कि उनके फैंस भी यही बात सुनना चाहते होंगे। दरअसल सहवाग ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि दिल्ली की जीत में संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच हुई साझेदारी का अहम योगदान रहा, लेकिन ऋषभ पंत ने जो 97 रनों की पारी खेली वो अविश्वसनीय थी। ऋषभ पंत का प्रदर्शन चयनकर्ताओं का ध्यान जरूर अपनी ओर खींचेगा। मेरा मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पंत को टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए। यानी ये तो साफ है कि जब वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं तो भविष्य में ऋषभ पंत टीम इंडिया का हिस्सा जरूर बनेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।